बोहरा समाज और वर्ल्ड विजन इंडिया ने जल सुरक्षा और किसान उत्थान परियोजना की उपलब्धियों के बारे में बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। यह परियोजना चिंचघाट, वाड़नेर, मारथाड़ और महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में करीब 1000 किसान परिवारों तक पहुंच गई है। वर्ल्ड विजन इंडिया समूह के निदेशक सोनी थॉमस ने बताया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि को समृद्ध बनाने के लिए दाऊदी बोहरा समुदाय ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम चलाया, जिसका सकारात्मक प्रभाव खेती पर पड़ा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए। इससे किसान अपने घर और खेती का खर्चा आसानी से सकने के बाद अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दे सकेंगे। इस योजना से किसानों का भविष्य सुनहरा होगा। इस दौरान प्रोजेक्ट के वरिष्ठ अधिकारी शब्बीर नजमुद्दीन ने बताया कि जलवायु संकट धीरे धीरे गहरा रहा है। इस कारण दुनिया भर में बाढ़ और सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, जो चिंता का विषय है। दीर्घकालिक वाटरशेड प्रबंधन परियोजना किसानों को पानी की कमी से निजात दिलाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में बोहरा समुदाय के मुखिया सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का कहना था कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कठिनाइयों को दूर करना है। इससे किसान अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे। आपने सुना होगा कि ये एरिया में, हमारे एरिया में और यवतमाल का नजदीक है, यहाँ पर किसानों की आत्महत्या, खुदकशी, सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो विजन इंडिया टीम है, ये लोग अलग अलग फील्ड लेते हैं और ये कारण था सुसाइड क्यों हो रहे, तो उसका बेस तक गए। वजह ये थी कि किसानों को फसल बराबर नहीं मिलती थी। और ये प्रोजेक्ट एक महीने का, एक साल का, दो साल का नहीं है, एक साल लोग जाते हैं स्टार्ट करने को और सिलेक्शन करने को। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और हम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो इनके पार्टनर हैं वो छोटी माइक्रो माइनॉरिटी है, लेकिन हम हिंदुस्तान के नागरिक है। हर एक का कर्तव्य है कि अपने तक कदम बढ़ाकर जो भी हो सकता है सस्टेनेबल एफर्ट करें कि बस्ती के लोगों को फ़ायदा हो, शहर को फ़ायदा हो और अल्टीमेटली कंट्री को फ़ायदा हो। हम समझते हैं कि बहुत छोटा कदम है, सिर्फ चार गांव, 3600 हेड है वहाँ पर, इतना छोटा गाँव, लेकिन छोटा कदम भी बड़ा होता है अगर बढ़ाते चले तो। ये पहला कदम है और खुदा चाहेगा तो हम आर भी, हम चाहते हैं कि और भी संस्थाएँ हैं सब मिलकर करें अलग अलग एरिया में, तो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। ख्याल है, क्रॉप हो रही है, पानी जो है वो खुदा की बहुत बड़ा वरदान है। चार चीज़ें हैं, ज़मीन, हवा, पानी और आग, जिससे हमारा शरीर बनता है। और पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पानी ही जान है इंसान की, पानी ही जान है, हमारे झाड़ों की पानी ही जान है, जानवरों की पानी ही जान है, खेती की। पानी नहीं होगा तो हर जगह पर में आप देखेंगे नुकसान होगा। तो पानी जो बुनियादी चीज़ है उसके तरफ ध्यान दिया गया। छोटा सा एग्जांपल चार गांव का किया है हमने और इंशाल्लाह आगे भी हम जितना हमसे बनेगा, छोटी कम्युनिटी है, हम काम जितना कर सकते हैं फूड के मल्टीट्रिशन पे, पानी। नागपुर में भी यहाँ दो छोटे गांव हैं जहाँ गर्मियों पानी बहुत कम होता है, भील गाँव और एक और गाँव है, वहाँ हम पूरा महीना, दो महीने पानी पहुँचाते हैं टैंकर। छोटा काम है लेकिन पानी जीवन है, तो जितना कर सकते हैं हर एक कदम, हर एक इंसान, हर एक नागरिक अपना कर्तव्य निभाए तो हम बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करने के हम अपना कर्तव्य निभाए वो ज्यादा बेहतर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।